हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लास्ट अपॉर्चुनिटी। आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस 30 दिन में आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनाए कि आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, मैं इसी टॉपिक की बात करने वाला हूँ कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें आखिरी के 30 दिन में। और जो स्टूडेंट अभी तक फुल कन्फ्यूजन है, जिसको पता नहीं चल रहा कि स्टडी कैसे करें, जो अभी तक प्रॉब्लम में रहता है, जो परेशान है कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों यह वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूं, जिससे आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो दोस्तों यह वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करो। आधी अधूरी अगर वीडियो आप देखते हो तो उससे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बनता है। और अगर वीडियो पसंद आ जाएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस 30 दिन के लिए आपको स्टडी करने के लिए सबसे जो पहला तरीका है, जो रियलिटी है और जेन्युइन है, वो है दोस्तों एम। दोस्तों, यहाँ पे एम का मतलब है कि लक्ष्य। आपका क्या लक्ष्य है, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो। फ्यूचर छोड़ो, अभी आप स्टडी क्यों कर रहे हो, रीज़न, पर्पस क्या है। जब तक आपको ये रीज़न पता नहीं चलेगा कि मेरा क्या रीज़न है दोस्तों, तब तक आपका स्टडी में मन नहीं लगेगा। दोस्तों, अब जो एम होता है, पर्पस, वो भी दोस्तों दो तरीके हो जाते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट रीज़न तो बना लेते हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन क्या उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों में जान होती है? क्या वो सपने स्ट्रांग होते हैं? क्या वो गोल जो बना रखे होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं? तो दोस्तों, आपको जो रीज़न करना है, वो एम, वो दोस्तों स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीवली स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आप दिन रात स्टडी कर पाओ। जब आप डिमोटिवेट हो तो दोस्तों वही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। और मैं ये वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको सजेशन दे रहा हूँ और ये तरीके बता रहा हूँ, अपनाने हो तो आप अपना लेना। तो दोस्तों, पहला तरीका वो यही है कि एक रीज़न ढूंढो, एक एम बना लो। अगर आपके पास कोई एम नहीं है तो कोई बात नहीं, बनाओ, लेकिन स्टडी के लिए बनाओ, अपने घर वालों के लिए बनाओ, पेरेंट्स के लिए बनाओ, आपकी जो घर की कंडीशन है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाओ। तो पहला तरीका दोस्तों बस इतना ही है। अब बात करता हूँ दूसरा तरीका, जो बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों। दूसरा तरीका है कि एनालिसिस करना है थ्रू बाय सैम्पल पेपर। आपको एनालिसिस पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि जैसे अगर 15 चैप्टर है तो आपको ये देख लेना है 20% ऐसे टॉपिक चुनने हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाए। जैसे 20% अगर आपने ऐसे चैप्टर चुन लिए जो आपको 80% मार्क्स दिला देंगे, 70% मार्क्स दिला देंगे। जैसे अगर आपको कोई थ्योरी का सब्जेक्ट है, अगर उसमें दोस्तों प्रैक्टिकल सिर्फ 30% आएंगे और 70% थ्योरी आएंगे, तो दोस्तों आप थ्योरी ज़्यादा स्टडी अच्छे से कर सकते हो। इजी चैप्टर है उसको ज़्यादा ध्यान दो, जो आपने अभी तक भी पढ़ा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक अगर आप आगे जाओगे तो दोस्तों पिछला भूल जाते हो, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। जो आपको इसके आपके स्कूल में बताया है, जो आपके ट्यूशन क्लासेस टीचर ने बताया है, जो आपके नोट्स बुक आपने पहले बना रखी है पूरे साल भर में, और जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है जिसके बारे में आपको कुछ तो नॉलेज है, थोड़ी सी तो नॉलेज है, अगर आप उसी की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो दोस्तों फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो, फिर नेक्स्ट तैयारी करो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दूसरा तरीका में यही है कि आपको एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लेना है, आपको छानबीन कर लेनी है कि पिछले साल के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कौन कौन से इजी थे, कौन कौन से टाइप प्रैक्टिकल कैसे हैं। ये सब दोस्तों आप पिछले सैंपल पेपर से, पिछले साल के 5 साल के क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो। तो दोस्तों, इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने वेटेज का है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप तैयारी नहीं कर पाओगे इस 30 दिन में। दोस्तों, आपको इफेक्टिवली स्टडी करनी है, यूजफुल स्टडी करनी है, एकदम नॉलेज अच्छी की तरह स्टडी करनी है, कोई सा क्वेश्चन वेस्ट में नहीं पढ़ना है आपको, उसका बेस मजबूत करना है। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ तीसरा तरीका, वो है दोस्तों टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन टॉपर वही होता है जो टाइम टेबल को फॉलो करता है। जब तक अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि मैं स्टडी कर सकता हूँ दोस्तों, तब तक आप स्टडी नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, आपको अपने शरीर को चलाना है, आपको अपने दिमाग में ये बात डालनी है कि भाई मेरे को टाइम टेबल फॉलो करना है, मुझे रोज़ फॉलो करना है, मुझे स्टडी करनी है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, टाइम टेबल बनाओ और रेगुलर टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। इजी टाइम टेबल बनाओ, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हो, 5 से 6 घंटे का बनाओ, गैप ले लेके बनाओ,
जिससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। तो दोस्तों बात करता हूँ चौथा तरीका कि ये है कि आपको हर सब्जेक्ट को 2 घंटे स्टडी करनी है कम से कम, बाकी आप कर सकते हो। तो जो सब्जेक्ट जो भी आपके पास है उसका एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट जितने भी हैं आप उसने अपने हिसाब से 2 घंटे की स्टडी करनी है। उस 2 घंटे में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे, इस साल कौन से आए थे। आप सैम्पल पेपर से सबसे पहले आप डायरेक्ट स्टडी करो और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से, सैम्पल पेपर से, मॉडर्न पेपर से। आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर फॉलो करना है और टाइम टेबल को फॉलो करते रहना है। अपने अंदर आपको ये बात डाल लेनी है कि हाँ मुझे फॉलो करना है, मुझे स्टडी करनी है। और आपको फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, मैंने तैयारी नहीं करी। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना यार, ये रियलिटी है। अगर आप इसी तरीके से सोचते रहते हो कि कल पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, तो दोस्तों समय ऐसी चीज़ है कि कभी भी रुकता नहीं है। वो जैसे हम सब जानते हैं कि समय दुनिया का सबसे इकलौता कीमती चीज़ है, जिसको दुनिया इंसान कुछ भी खरीद सकता है दुनिया में, लेकिन समय नहीं खरीद सकता। तो समय बहुत कीमती है आपके लिए। जो 30 दिन है बहुत मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही डिपेंड करते हैं आपकी लाइफ में, आपके मार्क्स पे। तो दोस्तों रेगुलर स्टडी करो, अपने टाइम टेबल को फॉलो करो और अपना एक रीज़न बनाओ, पर्पज़ कि हाँ मुझे अपने घर की कंडीशन ठीक करनी है, मेरे पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, मेरे पेरेंट्स लेबर है, इम्प्रूवमेंट करना है अपने घर को, घर की कंडीशन सुधारनी है। तो दोस्तों एक रीज़न के पर्पज़ पर आपको रेगुलर स्टडी करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो छोटी सी थी, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।